तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 28 अक्टूबर पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेसी या प्रवासी नहीं रहे बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और उसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। अनुवाक्य। उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। अनुवाक्य। उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे सराहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। प्रेरितों का प्रतापी दल तुझे सराहता है। अनुवाक्य। अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा, सिमोन जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता था, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।